almost dead. Guess what? मैंने status लगा दिया. Everyone should know about us. I'm so happy. Me too. इतना अजीब सा me too क्यों? यकीन नहीं आ रहा. यकीन भी आ जाएगा जब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की पैंट बजेगी. एनीथिंग फॉर यू. बस कर जाओ. सब ऐसे ही कहते हैं शादी से पहले मुझे लाइक्स चेक करने दो. माई फ्रेंड्स वर सो एक्साइटेड. मैंने सबको बताया था कि न्यूज ब्रेक करूंगी मैं. Why is she calling you? Abdullah, तुमने इसको अभी तक डिवोर्स नहीं दी? देख, मैं ट्रस्ट मी, लिसन, दे दूंगा कुछ. फोन उठाओ. हाँ मैं सुनना चाहती हूँ तुम दोनों क्या बातें करते. क्यों छोड़ो ना. I'll do it for you. हेलो हेलो. वो अब्बू को ले गए. हाँ कौन ले गए? वो पुलिस वाले ना अब्बू को ले गए हथकड़ी लगा के. ऐसे जैसे अब्बू बहुत बड़े डाकू हूँ. आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना. हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है. अच्छा मैं करता हूँ बात. हेलो खिलानो क्या बात करी? मुंशी जी को तो पुलिस वाले उठा के ले गए. What a drama queen. Sally, I can't believe this. You know what? It's okay. तुम्हें जाने तो तुम जा सकते हो. कोई बात नहीं. Bill, please. मुंशी जी बड़े सुकून में लग रहे. कैसे हैं आप? जो सलाखों के पीछे कैद करवा के पूछ रहे कैसे हार आने दें मुझे फिर बताऊंगा. फिर बताऊंगा कि एक गैरतमंद बाप की गैरत को ललकारा जाए तो बात जान लेने पर खत्म होती है. खुदा की कसम जब तक जान नहीं निकाल दूंगा रुकूंगा नहीं. क्या
ऐसी कसमें नहीं खानी चाहिए जो आप पूरी ना कर सके। वैसे तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, सलाखों के पीछे रह के आप कम से कम ये तो नहीं देख सकेंगे कि मैं आपकी बेटी की इज्जत को किस तरह रोकता हूं। दूर रहना उसे। अच्छी जी, आप तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझते। दूरी तो नहीं रह जाता, काश। और वो हकला है, वो तो उसे मोहब्बत भी नहीं करता, उसे तो मैं खुश रखूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, खुदा की कसम जान से मार दूंगा। आहिस्ता बोले, चीखे मत, ये ना आप ही मर जाए। करने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह मैनेज, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन वो अब्बा को ले गए पता नहीं क्यों, आपको तो पता है ना कि वो कोई चोरी नहीं की है और वो कोई डाका भी नहीं किया है, तो पता नहीं क्यों ले गए। आपको तो पता है पुलिस वाले बहुत मारते हैं। मैं बस ये कह रही थी कि वो आप तो कर सकते हैं ना, आप तो बड़े लोग हो, तो अगर प्लीज़ अब्बा को अगर आप लोग छुड़वा दो वहाँ से। सारी ज़िंदगी ईमानदारी से सिर्फ इज्जत ही कमाई थी और वो पुलिस वाले उसी इज्जत को अपने जूतों से रोकते हैं उन्हें लेकर। हमारी तो पहुँच किसी तक नहीं है बेटा, हम तो सिर्फ आपको और बेगम साहिबा को जानते हैं। आप लोग कुछ करें, आप बेगम साहिबा से कहें ना कि मुंशी जी को छुड़वा दें, कहें ना। हाँ आप लोग कहेंगे तो वो छुड़वा देंगे, अब्बा घर आ जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं बात करता हूँ, आई स्पीक टू माई लॉयर्स। हम लोग प्लीज़ टेंशन नहीं लें, ओके। मैं बताता हूँ। यार वो सर्वर साला, तुम तो समझे ना इसके डैड को, मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है उनके साथ। सर्वर ने जब वो इनिशियल उस टाइम भी उन्होंने क्या किया, सर्वर ने लाइंस बोली थी इसके डैड को, उस टाइम ही उनको कुछ कर देना चाहिए था। अगर वो इतने एग्रेसिव अभी हो जाए, आई थिंक उनको लॉन्ग बैक हो जाना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने इतनी ढील दे रखी थी राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब वो अप्रोच किया मैरिज के लिए, टिल वो उनके घर पे जैसे उनको धमकाता था एंड बार बार माँ जब बोलती भी थी कि ठीक है ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके बाद भी वो कोई एक्शन तो लेते नहीं थे। मैं वेट नहीं कर सकती कब ये लोग को पता चलेगा, कब वो बेगम साहिबा कौन सा एपिसोड था, ये कि कौन सा एपिसोड था। मेरी फोन ना ज्यादा बचा भी नहीं है। हाँ भाई
ज़्यादा भी नहीं बचा है तो आई थिंक अभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सब कि मुझे लगता है बहुत जल्दी अभी सब चीज़ें होनी चाहिए अनफोल्ड होगी जहाँ पे सबके सामने सर्वर आना चाहिए सर्वर का डेडिकेटेड एक पूरा एपिसोड मिनिमम होना चाहिए जहाँ पे उसका पर्दाफाश होता है जहाँ पे उसको एक एक इंसान कोसे गाली दे जूते मारे जो करना है करे तो बेगम साहिबा सभी खुद ही कैसे देखो कैसी ठीक है तो फिर तो किस्सा ही खत्म आप भी सर्वर जैसे बन गए हो किसे स्माइल करके कह रही थी तब कोई बात नहीं अभी तो चीजें हमारे फेवर में है अभी वो पता है कैसा फील आया था वापस हम सफर के टाइम पे जैसे मानकुश वाला उसका जो एक साइड आया था एग्जैक्ट वो वाला साइड वापस उनका देखने वाला ये लोग साले ईगो के गेम्स खेल रहे हैं देख ना अलग ही ईगो सेटिस्फाई करने में लगे देखते क्या होता है यार अभी कैसे निकलवाएगा इसको पता तो चलेगा कि सर्वर ने किया ठीक है सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड ठीक है